नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 फरवरी और मार्च में क्या डेट है और किस डेट को विवाह होने वाले हैं, इसमें क्या क्या लाभ मिलता है और इसमें कौन पात्र है और कौन अपात्र, और 2023 में फरवरी मार्च के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएँ। प्रदेश की विधवा महिलाएं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक विवाह योजना में शादी कराने वाले हर जोड़े को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या को शादी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और 10,000 रुपये विवाह संस्कार सामग्री एवं 6,000 रुपये विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कन्याओं को आर्थिक सहायता बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, इसलिए कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से लिंक हो। अपडेट की बात करें तो डेट आप देख सकते हैं, सन 2023 में जनवरी में सामूहिक विवाह हो चुके हैं, जो ये डेट उनमें दी गई थी। अब हम बात करते हैं फरवरी में विवाह की डेट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23 और 24, 27 एवं 29 में शुभ मुहूर्त हैं। ये फरवरी के शुभ मुहूर्त आपको यहाँ दिखाए गए हैं। इनमें से आपके ज़िले में कोई सी भी डेट हो सकती है। ये डेट आपके ब्लॉक के हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा इसमें सुनिश्चित की जाती है, वो रखेंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पर सामूहिक विवाह का पखवाड़ा मनाया जाता है। अब दोस्तों मार्च की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं मार्च 2023 में 1, 6, 8, 9 और 13 को शुभ मुहूर्त है। इसमें यही डेटें हैं, इन्हीं में शादी होनी है। इसी के अनुसार सभी जिले में अपने अपने यहां पर सामूहिक विवाह पखवाड़ा आयोजित करें और इन विवाह में जनप्रतिनिधियों को भी उपस्थित जरूर होना है, जैसे कि आपके साथ 4 या 5 व्यक्ति जा सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन की पात्रता के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत आवेदन हेतु पात्रता। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य की वह महिला जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से असक्षम और जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया है, वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है। विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। अब बात करेंगे कि आप आवेदन कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहां देखेंगे तो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे और आपको वहाँ पर अपने ब्लॉक में जमा कर देना है आप प्रधान की सहायता से। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं निकाल पाते हैं तो आपको अपने प्रधान से जाकर के बोलना है या अपने ग्राम पंचायत सहायक से भी बात कर सकते हैं। आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और आप अपने ब्लॉक में जमा कर देंगे। चलिए मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है। अब आपको फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना है, जैसे कि आधार कार्ड, लड़की का आधार कार्ड, लड़की का फ़ोटो, लड़के का फ़ोटो, लड़की की बैंक पासबुक, पिता का आधार कार्ड या फिर माता का आधार कार्ड और उनका फ़ोटो। इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें। अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर देना है। इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सामूहिक विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन आप ही करेंगे, ऑनलाइन आपको वहीं से हो जाता है। उसके बाद आप फिर पुत्री के खाते में आपको 35,000 रुपये की धनराशि मिलती है।
दोस्तों इस योजना का लाभ पाने के लिए आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या फिर जमा कर देते हैं, उसके बाद आपके ग्राम प्रधान या फिर ग्राम पंचायत सहायक के पास एक डेट आती है, उस डेट को आपको जाना होता है और जाकर के आप दोनों पक्ष एक साथ इकट्ठे होते हैं और वहां पर आपका शादी का कार्यक्रम होता है। पूरा शादी का कार्यक्रम होने के बाद आप अपने अपने घर चले जाते हैं और आपको कुछ दिनों के बाद 35,000 रुपये की धनराशि लड़की के खाते में भेज दी जाती है। इस तरह से सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम संपन्न होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।